हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल के अंदर क्या खास है, क्या आज बताऊंगा, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक्सेल के अंदर ये डेटा हमारे पास है जहां पे एम्प्लॉय के नेम है, और ये नेम की रेंज काफी लंबी भी हो सकती है और सेल्स की रेंज भी काफी लंबी हो सकती है। तो यहां पर 2024 जनवरी में जिन्होंने जितने का सेल किया है वो यहां पे डिटेल है, ठीक है। और फरवरी में जो सेल किया है उसकी डिटेल यहाँ पर है, मार्च में जो सेल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे है, अप्रैल में जो सेल किया है उसकी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल सकते हैं कि सेल किसकी कितनी हुई है, ठीक है। आप सिंपली इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर जो है ऐड कर लेंगे कि यहाँ से प्लस किया, यहाँ से प्लस किया, यहाँ से प्लस किया, तो ये फिर जो है टोटल सेल निकलती हुई नजर आएगी कि कुल मिला के एक व्यक्ति ने कितने की सेल की है। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा टास्क अलग है, हमको यहां पर एक बनाना है ड्रॉपडाउन। तो ड्रॉपडाउन बनाना तो बहुत आसान काम है, डेटा टैब पे जाइए और डेटा टैब पे जाने के बाद यहां से आ जाइए डेटा वैलिडेशन पे। ये डाटा वैलिडेशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आएगा, तो यहां से इसे लिस्ट बना लीजिएगा और यहां पे क्लिक करके और इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, अब सेलेक्ट कर लेने के बाद यहां से ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने से ये फायदा होगा कि यहां पर आपको मिल जाएगा एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब टोटल सेल करना है, तो टोटल सेल हमें एक्स लुकअप फॉर्मूले का यूज करके करना है। एक्स लुकअप एक फंक्शन है एक्सेल में, उसी का यूज करके हमें टोटल सेल करनी है। तो अभी तो अमित का निकालना है, तो अमित को सेलेक्ट कर लेंगे हम, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब क्या रहा है लुकअप एरे, किसे लुकअप करना है, तो हमें यहीं से तो कहीं से लुकअप करना है, हमें इसी रेंज से लुकअप करना है, ठीक है। तो हमें इसको फ्रिज करना है, तो F4 दबा के फ्रिज कर लेते हैं, ये F4 दबा के फ्रिज किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज हमारी हो गई सेलेक्ट, प्लस का निशान लगाइए, फिर इस रेंज को सेलेक्ट करिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर इस रेंज को भी सेलेक्ट करिए और प्लस का निशान लगाइए, और फिर इस रेंज को भी सेलेक्ट करिए और प्लस का निशान लगाइए। ये आपको एक ही बार करना है और ये करके एंटर कर दीजिए। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि ये अमित की टोटल सेल नजर आ रही है आपको, लेकिन यहां से जैसे ही ड्रॉप डाउन से आप चेंज करेंगे ना, जैसे यहां पे क्लिक किया तो ये अब राजेश की सेल है। तो देखिए ये राजेश की सेल करेक्ट आई है या नहीं आई है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, प्लस का निशान लगाया, इसको सेलेक्ट किया, इसका सेल एड्रेस आ गया, प्लस का निशान लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस का निशान लगाया, और फिर इसको भी सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। 228,387 रुपए की सेल है जो कि यहां पर भी सेम आ रही है, लेकिन अभी यहां से अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूं तो सबकी सेल्स आ जाएगी, ठीक है। यहां पर देखिए ये आ गई, लेकिन यहां पर आप जैसे ही चेंज करते हैं ना तो सेल अपने आप चेंज हो जाएगी। देखिए यहां अमित की सेल क्या है, तो यहां पर देखिए ये अमित वाला रेंज है और यहाँ पे 275,026 रुपए, तो देखिए वही सेम चीज आई हुई है, ठीक है। और यहां से जाकर के फिर इसको चेंज करते हैं तो रतन कर देते हैं, तो 231,225 रुपए, तो ये भी यहाँ पे सेम आया हुआ है, देख सकते हैं कि नहीं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है एक्स लुकअप की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।